दोस्तों गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने कन्फॉर्मल मैपिंग टॉपिक शुरू किया था और मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि कन्फॉर्मल मैपिंग या अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा उस चीज को याद कीजिए कि हमने कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में क्या पढ़ा था। हमने यही पढ़ा था कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर कोई रूपांतरण होगा वह कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगा, यदि उसके अंदर जो कोण है उनके परिमाण, उनके रिजल्ट और उसकी डायरेक्शन, दिशा अपरिवर्तित रहनी चाहिए, तो वो चीज, वो रूपांतरण, वो ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। यही हमने पढ़ा था। आज इसके बारे में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में, जो बीएससी लेवल पर या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती है, टॉपिक का नाम है नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए कन्फॉर्मल मैपिंग, यानी आवश्यक प्रतिबंध क्या है कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए, अनुकोण प्रतिचित्रण होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, वो चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले थ्योरम देखिए, इफ डब्ल्यू बराबर एफ जेड इज ए कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ ए डोमेन डी इन द जेड प्लेन इन टू ऑफ डी डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन देन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। क्या कहता है ध्यान से सुनिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप जो भी कोई भी स्टूडेंट है वो अब ऐसा न कहें कि हिंदी है या इंग्लिश है, तो दोनों चीजों में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कहता है कि W बराबर एफ जेड मेरे पास कन्फॉर्मल मैपिंग है, अगर कन्फॉर्मल मैपिंग होती है तो यहां पर डोमेन डी के अंदर इन द जेड प्लेन, जेड प्लेन के अंदर और डी डोमेन के अंदर W बराबर एफ जेड एक कन्फॉर्मल मैपिंग है into a d dash of that w plane, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, अगर ऐसा है, अगर कोई w बराबर fz कन्फॉर्मल मैपिंग होती है तो जो fz होता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है, यानी विश्लेषिक फलन होता है। अब आपको पता है दोस्तों, इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में आप सेट कीजिए कि हमें एनालिटिक फंक्शन है तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो आपको पहले अपने माइंड में ये चीज आप फिट करेंगे तभी आप आगे थ्योरमों को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरमें बहुत सारी हैं और बहुत सारी ऐसी थ्योरमें हैं जो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हैं तो आप सोल्व कर पाएंगे। बस इतना सा दिमाग लगाइए कि हमें एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है और एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए मेन शर्त क्या होती है, कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करवाना। हमें कोची रीमान इक्वेशन अगर मैं किसी भी मेथड से संतुष्ट करवा दूं तो ये एफ जेड मेरा एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं दिखाऊंगा और जो भी चीजें मैं यूज करूंगा, जो भी चीजें उपयोग में होंगी वो सारी चीजें बुक से, ताकि आप बुक में जब पढ़ें तो आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूज ना हो, जो भी चीज मानी गई है वो भी मैं सेम टू सेम बुक से ही उठाऊंगा, कोई भी अलग चीजें नहीं बताऊंगा, ताकि आप जब बुक पढ़ें, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, बुक पढ़ें, क्योंकि ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें रह जाती हैं जो आप बुक पढ़ेंगे तब आपको तैयार होंगे, तो बुक साथ में जरूर ओपन करें या एक कॉपी साथ में रखें, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो इतना कहना जरूर मानिएगा। अब देखिए, इफ W बराबर FZ इज ए कन्फॉर्मल मैपिंग, अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है, इस W बराबर FZ को हमें एनालिटिक फंक्शन दर्शाना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, हमें फंक्शन दे रखा है W बराबर FZ, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी आंखें इधर उधर न कीजिएगा, वीडियो चला लिया है आपने तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी ये टॉपिक क्लियर होगा, अन्यथा आप बीच में छोड़ सकते हैं नहीं देखना, लेकिन देखना शुरू कर दिया है तो पूरा देखिएगा। देखिए W बराबर FZ, FZ आपको पता है कि W बराबर U प्लस आयोटा V के रूप में भी होता है, जहां पर U और V एक्स वाई के फंक्शन है, क्योंकि जेड जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा V है, तो U किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और V भी किसका है, एक्स वाई का। अब एक चीज समझने वाली है, अब एक चीज क्या है समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, अगर ये x है ये y है, ये चीर नहीं बनाए, ठीक है, हमने पढ़ा है दोस्तों लगभग फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज पढ़ी है कि ये जो लेंथ होगी फिर हमारी अस लेंथ के नाम से हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। जेड प्लेन की बात करें तो यहां से अगर मैं इसका अल्पांश लूं ds dy dx और ये तो हो गया जेड प्लेन में, अगर मैं ये बात डब्ल्यू प्लेन में लूं, ये चीज समझ गए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है,
ऐसा ही चीज डब्ल्यू प्लेन के अंदर लूंगा मैं, डी यू डी वी और डी सिग्मा। यहां से समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब देखिए अल्पांशों की अल्पांश लेने पर डीएस तथा डी सिग्मा ये चीज लिखनी पड़ेगी। अल्पांश कहां से लिए हैं हमने, ये जेड प्लेन व डब्ल्यू प्लेन के अंदर से, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी ये चीज देखिए। अब इसको मैं साफ कर देता हूं, अब जो मुझे चीज समझाने की वो आप समझ चुके हैं। अब देखिए तो डीएस की होल स्क्वेयर इक्वल डीएक्स की होल स्क्वेयर प्लस डीवाई की होल स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर वन। इसी प्रकार डी सिग्मा ये तो है जेड प्लेन के अंदर, ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो क्या बनेगा डी सिग्मा डी यू की होल स्क्वेयर प्लस डी वी की होल स्क्वेयर, समीकरण नंबर दो। इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए हमें डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करनी है किसी तरह से। डी यू और डी वी की वैल्यू हमें पता है आसानी से, क्योंकि तभी यह चीज होगी, क्योंकि डी यू की वैल्यू रखेंगे और डी वी की वैल्यू रखेंगे तभी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई ऐसा कुछ मैटर मिलेगा। और कोची रिमान इक्वेशन में ऐसा ही कुछ मैटर हमें सिद्ध करना होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। इस प्रकार की हम चीजें प्रूफ करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसी चीजें हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि दोस्तों चूंकि ये चीज आप जानते हैं, दोस्तों आपने बहुत बार ये पढ़ा है, सदीश कलन की एक बुक आती है फर्स्ट ईयर में, उसमें ये सारी चीजें यही चलती हैं कि इसकी वैल्यू किस प्रकार होगी। अगर आपको वो वैल्यू नहीं निकालनी आती तो यहां पर याद कर लें, याद जरूर रखना है या रट ले किसी प्रकार से, लेकिन भूलना नहीं है इस चीज को कि डी यू। अब यहां पर ये ऐसा नहीं सिखाया जा सकता कि ये किस प्रकार आएगी किस प्रकार नहीं आएगी, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं मैं ये वैल्यू आपको याद रखनी है। वैल्यू आती है बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान है, लेकिन आप इसे याद जरूर रखें। देखिए डेल यू बराबर क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, बहुत बार पढ़ा है दोस्तों आपने, अगर यू एक्स वाई का फंक्शन है तो दोनों के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। इसी प्रकार डी वी की वैल्यू क्या होगी, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा क्योंकि हमें कोची रिमान इक्वेशन संतुष्ट करानी है। ये चीजें आ गई, अब कुछ ना कुछ मैटर बन रहा है कि हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो मंजिल है उस तक हम पहुंचने जा रहे हैं। अब देखिए ये मैटर हम इसमें पुट करेंगे तो डी सिग्मा की होल स्क्वेयर इक्वल ये वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, इसकी होल स्क्वेयर और इसकी होल स्क्वेयर। ये वैल्यू हमने कहां पर रखी है, इस समीकरण में रखी है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे और हल करते हैं हम, तो डी सिग्मा की होल स्क्वेयर, अब इसको ओपन कर लेता हूं मैं ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर, तो यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स की होल स्क्वेयर डी एक्स की होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई की होल स्क्वेयर डी वाई की होल स्क्वेयर प्लस टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब देखिए एक चीज सल्ट गई, दूसरी चीज और रहती है ये प्लस वाली, ये मुझे थोड़ा सा यहीं पर लिख देंगे कोई बात नहीं। ये देखिए इसको डेल वी अपॉन डेल एक्स की होल स्क्वेयर डी एक्स की होल स्क्वेयर, एक चीज सेट की, प्लस बी स्क्वेयर फॉर्मूले आपको आते हैं ये, डेल वी अपॉन डेल वाई की होल स्क्वेयर, थोड़ा सा दोस्तों जगह की दिक्कत है, थोड़ा सा है लिख देख लीजिए कोई बात नहीं, प्लस टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब देखिए
ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू हमें काम देगी आगे, हम तुलना कराएंगे इसकी, तो ये चीज आप अलग जगह पर रख लें। ये समीकरण हमें काम देगी, तो ये समीकरण मैं यहां पर रख देता हूं, क्योंकि ds की होल स्क्वायर dx की होल स्क्वायर प्लस dy की होल स्क्वायर अब और कोई काम नहीं देगी हमें। अब यहां से देखिए, अब जो dx के पद है उन्हें एक जगह रखें, क्योंकि दो बार dx आएंगे, dy के पद एक जगह रखें और dx dy के एक पद एक जगह रखें। अब देखिए ये चीज ऐसा करते हैं हम, तो d सिग्मा की होल स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x, सॉरी ये नीचे वाला डेल u अपॉन डेल x की होल स्क्वायर प्लस, एक तो ये पद हो गया मेरे पास, दूसरा पद है x वाला कहां पर है, ये रहा डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल x की होल स्क्वायर इंटू में, देखिए दोस्तों यहां पर क्या बचेगा, फिर यहां पर dx मल्टीप्लाई में dx की होल स्क्वायर, ठीक, प्लस इस बार dy के वाले पद, तो dy कहां पर है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो dy वाले पद एक जगह रखें, डेल u अपॉन डेल y की होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल y की होल स्क्वायर इंटू में dy की होल स्क्वायर। अब लास्ट में ये पद बचे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं साथ में, तो क्या बचा है, अब 2 कॉमन आएगा, डेल v अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल x डेल, यहां पर ये क्या है, डेल v अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल y इंटू में dx dy। अब देखिए दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ऊपर देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये चीज आप ध्यान में रखें, इस चीज का बहुत जरूरत पड़ेगी, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए दोस्तों इतना चीज आपको क्लियर हुई, अब ध्यान से सुनिए, डीएस ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए एक शर्त होती है कि उसके जो कोण है, जो डायरेक्शन कोण की डायरेक्शन है, वो अपरिवर्तित नहीं रहेगी, तो यानी जो ये चीज है इसका अनुपात है डी सिग्मा अनुपात डी एस का अनुपात डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कन्फॉर्मल मैपिंग है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इनके अनुपात क्या होने वाले हैं, इक्वल होंगे। देखिए अब इनके अनुपात करते हैं हम, सबसे पहले मैं तुलना करूंगा, ये dx वाला पद क्या है, यहां पर dx वाला पद भी है, dy वाला पद भी है, लेकिन dx dy वाला पद है क्या, नहीं है, तो इनके अनुपात देखिए डेल, अब ये इसकी क्या जरूरत है, अनुपात करते हैं हम, तो डेल u अपॉन डेल x की होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल x की होल स्क्वायर अनुपात, नीचे इसका अनुपात dx और यहां पर कितना है 1 है, इक्वल होगा ये वाला पद ले लीजिए, डेल v अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y, और इसका अनुपात नीचे देखिए दोस्तों क्या है, 0 है, ये 2 मल्टीप्लाई कराइए या ना कराइए 0 में चला जाएगा, ये इक्वल किसके हैं, डेल u अपॉन डेल y की होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल y की होल स्क्वायर नीचे होगा 0, बराबर मान लीजिए तीनों इक्वल हैं, तो बराबर एक कांस्टेंट तो देना पड़ेगा, जो बुक में है वही मैं ले रहा हूं, तो बराबर h स्क्वायर कांस्टेंट मान लीजिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, यहां से डेल u अपॉन डेल x की होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल x की होल स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर, और यहां पर इक्वल डेल u अपॉन डेल y की होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल y की होल स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर इसे 4 दे दीजिए, और पांचवी इक्वेशन क्या बनेगी, पांचवी इक्वेशन ये वाली, डेल v अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y,
थोड़ी गड़बड़ होगी क्या दोस्तों, एक मिनट। ये दोनों यहां पर ये दोनों U है दोस्तों, क्योंकि यहां पर तो U का ही फंक्शन था। सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गई थोड़ी सी। बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब हमें रखनी है वैल्यूज। वैल्यूज मानेंगे, वैल्यू मानी जाती है दोस्तों ऐसी जो समीकरण को संतुष्ट करी जाए। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, मानकर चलेंगे कि ये वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करती है, तो उसी से रिजल्ट निकलेगा। तो संतुष्ट करने वाली वैल्यूज हम कैसे मानेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आपको पता है यू हमेशा जो देखिए एक्स एक्स के फंक्शन होते हैं उसमें हम लगभग कोस वाले चीजें मानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं अल्फा कोस, एच कोस अल्फा, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमने यही लिया है, एच कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई को एच कोस बीटा मान लीजिए, और वी वाले फंक्शन होते हैं उन्हें हम साइन मानते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स एच साइन अल्फा, और डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर एच साइन बीटा। आप देखिए, अब कुछ नहीं करना, ये समीकरण यहां पर ये रिजल्ट रखिए यहां पर, तो एच स्क्वेयर कोस स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, तो दोनों एक हो रहे हैं वैल्यू, तो यानी एच स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर, तो ये इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी संतुष्ट करेगा, अगर ये संतुष्ट करेगा तो ये इक्वेशन भी सत्य होगी। तो यानी ये वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर दूंगा, इन सभी की वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा। ध्यान में रहे, हमें कोची रिमान इक्वेशन संतुष्ट करनी है। अगर ये वैल्यू मैंने यहां पर की तो एच कोस अल्फा एच कोस बीटा प्लस एच साइन अल्फा एच साइन बीटा इक्वल जीरो। एच कोस अल्फा एच स्क्वेयर बाहर निकाल लीजिए, कोस अल्फा कोस बीटा, क्योंकि दोनों में एच स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल जीरो। एच स्क्वेयर जीरो में कोस अल्फा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का। तो कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल जीरो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कोस जीरो किस पर होता है, कोस इनवर्स जीरो होगा किसकी वैल्यू, पाई बाई टू की। तो अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू होगा, दो वैल्यू होगी अल्फा की। तो अल्फा की दो वैल्यू है बीटा प्लस माइनस पाई बाई टू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ये वैल्यूज हमें रखनी है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू सबसे पहले इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एच कोस अल्फा, अल्फा की जगह रखूंगा बीटा प्लस पाई बाई टू, यहां पर रखूंगा तो कोस बीटा प्लस पाई बाई टू क्या होगा, इसका घर नहीं तो माइनस का होगा, 90 में चेंज होता है, साइन में चेंज होगा माइनस एच साइन बीटा, और साइन बीटा किसकी वैल्यू है, डेल वी अपॉन डेल वाई की, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इससे क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, एक रिजल्ट ये निकला। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी मैं इसे रखूंगा, किसमें, यहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स एच साइन अल्फा एच साइन बीटा प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू है चेंज होगा, साइन का ही घर है, साइन वैसा माइनस नहीं आएगा, तो एच कोस बीटा, एच कोस बीटा किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल वाई, एक रिजल्ट मेरा ये निकला। कौन सा, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। एक चीज यहां पर कमी रह गई, इसमें माइनस नहीं आता है, इसमें माइनस आता है, तो यहां पर हमें वी को माइनस वी में प्रतिस्थापित करते हैं, अगर चेंज करें तो ही हमारी कोची रिमान इक्वेशन संतुष्ट होती है। तो इस प्रकार के रूपांतरण को तुल्य कोची रूपांतरण कहते हैं, जहां पर केवल मात्र डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देखिए, अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है ये, अनुकोण प्रतिचित्रण, यहां पर अगर हम बीटा माइनस पाई बाई टू लें, अगर ये वैल्यू रहेंगे तो यहां पर अगर आप रिजल्ट रख लीजिए और आप क्या देखेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई होगी, और दूसरी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये कोची रिमान इक्वेशन होती है, जो कोची रिमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है, कोची रिमान इक्वेशन संतुष्ट होगी, और कोची रिमान इक्वेशन संतुष्ट होगी तो वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, और यही हमें
प्रूफ करना था कि एनालिटिक फंक्शन कैसे होगा, ये एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, अगर W बराबर fz प्रतिचित्रण है तो जो fz है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। दोस्तों थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हमने लगभग 20 से 22 मिनट की ये क्लास ले ली है इतनी गर्मी में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दें अपने दोस्तों के